कुछ लोगों को लगता है कि रोस्ट वीडियो पे सिर्फ गाली देने से व्यूज मिलता है। ना मुन्ना ना, सिर्फ गाली देने से अगर व्यूज मिलता तो ये वीडियो आज भी ट्रेंडिंग पे होता। चुप, बिल्कुल चुप। मेरे शो पे गालियों से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। भोसड़ी के मादर चौक बहन के लोड़े, मच्छर की झाट, गांडू मोटी चूत तेरी, टट्टों के सौदागर। तो क्या हाल है दोस्तों? अरे हटाओ ये सब, शक्ल और कंटेंट दोनों दिखाने लायक है। और बस यही बात आपकी सुनने लायक नहीं है। मुझे अपने बाप के सपने में नहीं आना, मुझे अपनी कामवाली को नंगा नहीं देखना है। यह बंदा अपने गानों में खुद को जॉनी सिंस बताते हैं। नो ब्रो, यू आर नॉट जॉनी सिंस, यू आर मुनावर फ्रॉम जूनागढ़। गुजरात में एक सिटी है जूनागढ़, ठीक है, वहाँ से हूँ मैं। लेकिन एक सेकेंड, छह जॉब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये बंदा दो जॉब परफेक्टली कर सकता है। एक है कह के लेना, कंगना को नेपोटिज्म से बहुत प्रॉब्लम है, बट उसने खुद की बहन को मैनेजर रखा हुआ है। दूसरा है मुंह में लेना। मैंने लैपटॉप खोला, How to suck dick. देखो 3 घंटा लगा बट मैं सीख गया। जिस दिन मैंने ये बात सुनी है ना, उसी दिन मैंने भी कर लिया अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप। अगली बार चाहिए तो मुनावर से ही चाहिए। और मेरी गर्लफ्रेंड 3 घंटे ट्यूटोरियल्स वीडियो नहीं देख सकते क्योंकि वो फेमिनिस्ट है और टिकटॉकर भी, सॉरी इंस्टा रील्स इन्फ्लुएंसर। पर क्या करे, अपने नसीब और देश के गवर्नमेंट दोनों चुतिया निकली। या तो इनकी शोज कैंसिल हो रहा है या फिर मेरा टिकट। मुझे मुनावर से मिलके बस एक ही बात कहनी है, गो डाउन, स्वाद आ जाएगा। अपुन सोचा अपुन का बेड़ा पार हो गया, बोले तो बाप साला अपुन को भी प्यार हो गया। ये बंदा खुद अपने वीडियो पे कहते हैं, ही इज अंडर ट्रेनिंग की बॉम्ब कैसे बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, पानी से कैसे बॉम्ब बनाते हैं। पानी से बम बनते मुझे नहीं पता था। एक पानी के बिना भी कैसे बनते मुझे नहीं पता। आई एम अंडर ट्रेनिंग। लेकिन जब कोई टेररिस्ट का टॉपिक उठा देता है तो यह बंदा ऑफेंड हो जाता है। तो आतंकवादी को भी लगता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, उसकी भी अपना, उसका भी अपना ग्रुप होता है, उसके भी अपने फॉलोअर्स होते हैं। उसके लोग ये हर आर्गुमेंट में आतंकवादी कैसे आ जाते बीच में? मेरा कॉमेडी की बात चल रही है। ये बंदा कहती है इनकी शोज 18+ होती है। मेरे शो पे सर 18+ का ये रहता है कि 18+ ही ऑडियंस अलाउड है। तो यूट्यूब पे अपलोड किए गए वीडियोस पे 18+ का रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं है? कैरी का वीडियो अगर पॉर्नहब पे भी डाल देंगे तो वायरल जाएगा। भाई साहब कहता है कि कैरी का वीडियो पॉर्न साइट पे भी चल जाएगा तो वायरल जाएगा, क्योंकि उसमें लंड का इस्तेमाल बहुत किया है। अच्छी लंड मेरा। मुझे नहीं पता कैरी का वीडियो चलेगा या फिर नहीं, पर आपके और मेरे कोलैबोरेशन से जो वीडियो बनेगी वो पॉर्न साइट पे पक्का वायरल जाएगी। मैंने लैपटॉप खोला, How to suck dick. देखो 3 घंटा लगा बट मैं सीख गया। क्योंकि आपके पास नॉलेज है और मेरा पास वो चीज है जिससे आपको एक्सपीरियंस मिल सकते हैं। प्लीज गो डाउन। ये बंदा पूरा कामा सूत्रों का बुक खोल के सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रहा है, अकेला चौदने वाला पोजीशन कौन सा है। मैं कामा सूत्र का बुक खोल के कंफ्यूज, अकेला चौदह वाला पोजीशन कौन सा है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गया? ये भाई साहब कहते हैं कि औरतों को सबसे ज्यादा बदनाम शायर होने की है। मुझे लगता है औरतों को ज्यादा बदनाम ना शायर लोग ने किया। लेकिन एक सेकंड, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। इतिहास याद रखेगा जब पूरा देश मुनव्वर फारूकी की चाट रहा था, राहुल भाई एक अकेला इंसान था जो उसके मुंह में देने में बिजी था। और केरी तुझे तो बाद में देख लेंगे, ये चुतिया इल्यूमिनाटी को रोस्ट करता है, लेकिन जब कोई इसे लिफ्ट पे 6 बार 6-6 दबाने को बोलते हैं तो इसकी गांड फटती है। और केरी के वीडियो के स्क्रिप्ट पे तुम्हें स्पेस कोमा या डॉट बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पेस को भोसड़ी के, कोमा को लंड और फुल स्टॉप को बहन चोद बुलाती है। और बहनचोद यादव को यह बुक कैसे मिल गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्रुव राठी को ट्विटर पर ट्रेंड कराने के लिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी अब, क्योंकि मुझे लगता है पॉलिटिक्स क्या है खेल, ऊपर देशभक्त नीचे कंट्री फॉर सेल। और भाई साहब कंगना, मैं जो खुद फिल्म में डायरेक्ट करती हूँ उनको फ्लॉप घोषित कर। दुनिया के सबसे बकचोद चूतिया और जहरीली जगह है ट्विटर, जहाँ हर दिन 100 झगड़े होते हैं। वो ट्विटर ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं, इसको तो हम नहीं संभाल पाएंगे।
और लात मार के भगा दी इसको। राजा भोसड़ी क्या है? वो दीदी एक शो रन कर रही थी लॉकअप, जहाँ पे 10-12 चूतिया तुम्हें 7x24 दिखाया जा रहा था, और हमारे देश के कुछ 5-7 करोड़ चूतिये उस 10-12 चूतिया को देख रहा था और वोट भी कर रहा था, और वहाँ पे वोट देने के लिए पैसा लगता है। ये देश के वोटिंग सिस्टम की कुछ अपोजिट नहीं हो गया? मैं बता रहा हूँ, वो लोग अपनी एक दूसरी कम्युनिटी बना ली है। कुछ दिन बाद वो लोग रियल आजादी मांगेंगे और दूसरा देश का भी डिमांड करेगा, क्योंकि अपना वाला आजादी तो 99 साल के लीज पे मिली है ना। 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं है। मुझे पता है कुछ लोग कमेंट सेक्शन पे गालियाँ देंगे। मैं चाहता हूँ तुम लोग अपने दोस्तों से भी शेयर करो और उनको भी बोलो कमेंट पे गालियाँ देने के लिए, ताकि वो भी बहती गंगा में अपने हाथ साफ कर पाए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक लाइक करो, शेयर करो एंड गालियाँ दो। सायोनारा और बाय। रुचि पाठक, भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता, लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर ये कह रही है कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूँ। मैं मल्टी टैलेंटेड इन मल्टीवर्स, मेरी छह छह जॉब, मैं हूँ जॉनी सेल्स, दिल जीत लिया मैंने, मैं जैसे सरदार, हालेलुया तेरी कह के मैं जैसे सरदार।